तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 24 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में हिस्टोग्राम के बारे में सारी चीजें बता दिया है, और अब बारी है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और साथ में ही लेस देन ओजीव ग्राफ बनाने। बेसिकली ओजीव ग्राफ, ओजाइव भी कई बार बोलते हैं, ओगीव भी कई बार बोलते हैं, तो स्पेलिंग में आपको बता देता हूं, ठीक है, ओ जी आई वी है, तो आपको जो रीडिंग करना है, जो प्रोनंसिएशन होता है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं, बट मैं जनरली ओजीव इसको रीड आउट करता हूं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, आपको ओजीव ग्राफ भी बनाना है, उससे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। और ये जो ओजीव ग्राफ है उसमें आपके पास एक लेस देन ओजीव का ग्राफ होता है और एक मोर देन ओजीव का ग्राफ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सारी चीजें बताता हूं कि कब लेस देन ओजीव और कब मोर देन ओजीव का जो ग्राफ है वो बनने वाला है। उससे पहले आपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चाहिए। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चाहिएगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आएगा तभी जाकर आपके पास वो लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो खैर क्या है, सारे टॉपिक्स ही रिलेटेड है इस चैप्टर के ऑफ कोर्स, बट ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये नहीं आया तो वो नहीं आया, आ जाएंगे, दोनों सेपरेटली पढ़िएगा तब भी आ जाएगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाना, ठीक है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बड़ा ही मस्त टॉपिक है ये, मैंने आप लोगों को 9th क्लास में भी करवाया हुआ है। जी हाँ, 9th क्लास में, और यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग करवाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए, सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉकेट एक्सपेंसेस है इन रुपीज। तो पॉकेट एक्सपेंसेस क्या, आपके पास मनी है, और उस मनी को मैं क्या कर रहा हूँ पता है, उस मनी को मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो क्लास इंटरवल लिख कर दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को लिखना है मनी ही, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल ले रहा हूँ। अब चलिए, इसमें क्या गिवन है, कहता है 0 से 5, 0 से 5 है, और ऐसे करते करते 35 से 40 तक पहुंचना है ना, कंटिन्यूअस है, 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25 है ना, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35 है ना, 30 से 35, और लास्ट में आपके पास 35 से लेकर 40 तक। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स पॉकेट एक्सपेंसेस में कितने खर्च करते हैं उसके आपके पास डेटा गिवन है। अब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, तो जनरली मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा फ्रीक्वेंसी से, एफ से, ठीक है, इसको एफ बोलते हैं। चलिए इसमें लिख देते हैं एक बार, 10, 16, 30, 42, 10, 16, 30, 42। उसके बाद आपके पास कितने हैं, 50, 30, 16, 12, 50, 30, 16, 12। चलिए, इतना डाटा हमें गिवन है और इसका हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट करना है इस डाटा का। आइए शुरुआत करते हैं, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट रहेगा, समझ में आ रही है ना बात। अब बात आती है कि इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको यहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है आपके पास क्लास मार्क। क्या है वो, क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क क्या होता है, तो आइए समझाते हैं आपको। क्लास मार्क आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर ही बताया था, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक और टेबल जिसमें हम लिखेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई, ठीक है ना, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, उसमें हम आई इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास क्लास मार्क सिर्फ एक ही नहीं हो रहा होगा, हर एक क्लास इंटरवल के अलग अलग हो रहे होंगे, तो आई रिप्रेजेंट करता है, आई की जगह अगर मैंने वन रखा तो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल के क्लास मार्क की बात करेगा, समझ में आ रही है। मैंने 4 रखा आई के प्लेस पे तो x4 हो जाएगा, एंड x4 विल रिप्रेजेंट द फोर्थ क्लास मार्क ऑफ द फोर्थ क्लास इंटरवल रिस्पेक्टिवली। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब हमारे पास यहाँ पे क्लास मार्क को कैसे निकाला जाता है वो सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए आपके पास देखिए, क्लास मार्क जो हम निकालते हैं वो किसी भी क्लास इंटरवल का होता है, किसका होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का होता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, क्लास इंटरवल जो है आपके पास कोई सा भी हो सकता है इसमें से, नो डाउट, समझ में आती है ना बात। चलिए, अब उसके लिए क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है, क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, यहां पे लिमिट लगा देते हैं, और प्लस में
अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय में टू, अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय में पूरे के नीचे में आपके पास टू। आइए समझाते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। सिंपली आप कह सकते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट, जीरो और फाइव के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आ रहा होगा, दैट विल बी द क्लास मार्क, और वो होगा यहाँ पे फिलहाल 2.5। अब बात आती कई बार डेसिमल में जब निकल कर आते हैं तो हमें मिड पॉइंट पता नहीं चलता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला बेसिकली, राइट दिस वन। तो किसी भी क्लास इंटरवल में जो फर्स्ट वाला नंबर रहता है दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, एंड जो सेकंड वाला नंबर रहता है दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। जब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, इट मींस यू फाउंड बेसिकली मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर्स, राइट। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मिड पॉइंट क्या है, समझ में आती है ना बात। तो लाइक दिस, मैंने 0 और 5, 0 प्लस 5 ऐड किया, 5 आया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2.5 आया, यही तो बोला था अभी मैंने आपको, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, इसके इसके बीच का होगा 7.5, नहीं पता तो 5 और 10 को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 5 10 को ऐड करेंगे 15 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। यहाँ पे आपको एक बार गैप दिख जाए ना कि कितने का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, आगे 5 5 5 5 आप बढ़ाते जाइए, 12.5 फिर आ जाएगा, 17.5 फिर आ जाएगा, 22.5 फिर आ जाएगा, 27.5 फिर आ जाएगा, 32.5 फिर आ जाएगा, 37.5। मैंने क्या किया, 5 5 5 5 इंक्रीज करता चला गया। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए आगे भी नहीं आने वाली प्रॉब्लम। अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टेबल जब बनाते हैं तो उस केस में एक तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, दूसरा क्लास मार्क चाहिए होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की नीड है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में रखकर उसको पुट कर देना और ग्राफ को ज्वाइन कर देना इज नॉट बिग थिंग बेसिकली, समझ में आ रहे ना बस। तो हमें क्या करना है, जो मेन चीज चाहिए होता है वो यहां से हमने निकाल लिया। आइए अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं और कुछ नहीं, तो समझाते हैं कैसे। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली कहानी रहेगी, है ना, यहाँ पे आपके पास 0.0 लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। एक्स एक्सिस में आप क्लास मार्क्स को लिख दीजिए, समझ में आ रही है ना बात। इसमें आप क्या करेंगे, क्लास मार्क्स को लिख दीजिए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए। क्लास मार्क यहाँ पे हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली, फ्रीक्वेंसी। तो एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई, क्या बात है, मजा सा आ गया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझ में आ रही बात। चलिए हमने इधर क्लास मार्क लिख दिया और इधर हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब आपको यहाँ पे स्केलिंग करनी कि अरे ऐसा कितना स्केल लिया जाए कि एकदम मस्त परफेक्ट सा काम बन जाए हमारा, राइट। तो चलिए परफेक्ट सा काम बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें क्लास मार्क में, तो मैं 5 5 का ही गैप ले लूँगा, देख लीजिए, है ना, 8 की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा भी नहीं है अपना, है ना। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा इसमें कितने के गैप ले लूँ, इसमें भी 5 का ही गैप ले लेता हूँ, तो 10 जाना पड़ेगा हमारे पास, है ना। तो चलिए 5 का ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म बात। अब स्केल में आप लोग क्या लिखेंगे भाई, तो स्केल में आपको लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस, आपने कितना कितना लिया है। इसमें लिख दीजिए 5 और इसमें भी लिख दीजिए कितना आपके पास, 5, बताइए, हाँ या नहीं, है ना। ये जो एक्स एक्सिस में था वो रुपीज़ में था, याद कीजिए, ये वाली चीज़ें क्या थी आपके पास, रुपीज़ में थे। और ये कितना आने वाला है आपके पास, ये किस में था, ये नंबर ऑफ पेस स्टूडेंट्स थे ना, तो 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके पास। कि 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स रहता है, जैसे ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दे, ये जो एक डब्बा बनेगा, जो आपके पास बार ग्राफ, अब फिर से बता देता हूँ, जो आपके पास ग्राफ पेपर हो उसमें इसको रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पे ऐसे व्हाइट बोर्ड में नॉर्मल प्लेन पेपर में आप क्या करने शुरू कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ रही है ना बात। तो ध्यान रखना इस चीज़ का आपको। अब 5 5 यूनिट्स हमने ले लिए एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में, और जो भी यूनिट होंगे वही चीज़ आप लिख देंगे, है ना। इधर हमने रुपीज़ वाली कहानी ली हुई है और उधर हमने क्या लिया हुआ है, स्टूडेंट है कितने, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स की, सबसे एक्स की वैल्यू देखते हैं 2.5 है, तो इसकी कितनी आपके पास, इसके कितनी आपके पास 10 है, तो 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स, है ना, क्यों मैंने यहाँ पे लिया 2.5,
अच्छा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाला जो गैप होगा वो कितने का होगा, 2.5 का होगा। समझ में आते हैं ना बात, ध्यान रखना है। ये वाला 2.5 का गैप होगा, यहाँ से यहाँ तक का 5 का गैप है, तो ये वाला 7.5 का होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया बट ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है। ये आ जाएगा 12.5, फिर आ जाएगा आपके पास 17.5, फिर आ जाएगा 22.5, फिर आ जाएगा 27.5, फिर आ जाएगा 32.5, फिर आ जाएगा 37.5। इस तरीके से मैंने 5555 का गैप लिया हुआ था। आगे चलिए, अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो इधर भी 5-5 का लिया, तो यहाँ पे लिखूँगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और यहाँ पे आपके पास 50। मैक्स वैल्यू कितनी थी, 50 थी। आगे चलिए, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करना। जब x की वैल्यू 2.5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10 है। समझ में आते हैं, जब x की वैल्यू 2.5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे पता चल गया मुझे। बताइए क्या यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यू विल राइट दिस पॉइंट लाइक दिस, 2.5 एंड कॉमा 10 एंड कॉमा 10, खत्म बात। एक पॉइंट आपने ये वाला पॉइंट जो है आपको पता कर लिया। आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं बाय पॉइंट, लेट से ए एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा चलते हैं, जब 7.5 था तो ये कितना आपके पास, 16 है, तो 7.5 यहाँ पे है और 16 इसका कहाँ चला जाएगा, कहीं यहाँ पे 15 से जस्ट ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और वो पॉइंट है आपके पास 7.5 और y की वैल्यू कितनी आपके पास, 16 है। और ये इस पॉइंट को आप पॉइंट b की नेमिंग कर सकते हैं, नो डाउट, बिंदास कीजिए, है ना, टेंशन फ्री रहिए। नेक्स्ट चलते हैं 12.5 पे, 12.5 पे 30 है, ये रहा 12.5 और इसको मैं सीधा लेकर जाऊंगा इस तरीके से, आपको पता चलेगा 30 पे रोकना है। तो इस पॉइंट को मैं सी के नेमिंग करूंगा और ये पॉइंट हो जाएगा 12.5 और वाई की वैल्यू कितनी आपके पास, 30 है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ हो गया। चलिए ए बी सी निकल कर आया, डी पे चलते हैं। 17.5 पे 42 है, 17.5 पे 42 है। आगे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, यहाँ पे रोक दीजिए 42 पे। इस पॉइंट को आप डी के नेमिंग कर दीजिए, 17.5, 42 आ जाएगा। चलिए डी तक पता चल चुका है, अब 22.5 पे कितना, 50 है। तो 22.5 पे ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, सीधा यहाँ पे 50 पे ले आइए इसको। इस पॉइंट को आप नेमिंग कर दीजिए ई और ये आ जाएगा 22.5 से लेकर 50 तक, बेसिकली एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। नेक्स्ट चलते 27.5 पे, आप 30 ले लीजिए, 27.5 पे आपके पास 30 पे ही रोक दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। पहले कितना था, 2 पर 30 आया क्या, हाँ 2 पर 30 आया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें भी है या नहीं, हाँ है। चलिए तो ये हमने ले लिया, फिर से 27.5 आपके पास, 27.5 और इसमें भी आपके पास कितना, आपके पास 30 है। अच्छे समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं हम, 32.5 का कितना है, 16 है। तो 16 तो यहीं पे कहीं ना कहीं बनाया था मैंने, ये वाला पॉइंट 15 से एक 16 लिया था ना, इसको मैंने 16 ही लिया था, पहले भी 16 आया हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो आपके पास किसका, ये 32.5 का है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ले लेता हूँ मैं। तो इसको मैंने लिख दिया कितना है, 32.5 और साथ में कितना है, 16 है। एक और आपके पास 37.5 का और वो सिर्फ और सिर्फ 12 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चलता हूँ मैं, सिर्फ ये 10 का था तो यहाँ पे ले चलता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12। और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है आपके पास, 37.5 और लेकर 12। अब इन सारे पॉइंट्स को, अब ए बी सी डी ई और इसको एफ बोलिए, इसको जी बोलिए, इसको एच बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको क्या करना है, आपको मिलाने, जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको क्या कर देना, आपको मिला देना और कुछ नहीं। आइए मिलाते हैं। तो ए से हम बी पे जाएंगे, बी से हम सी पे जाएंगे, सी से हम डी पे जाएंगे, डी से हम ई पे जाएंगे, ई से हम एफ पे जाएंगे, एफ से हम जी पे जाएंगे, जी से हम एच पे जाएंगे, क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। तो ये जो ग्राफ आपके पास निकल कर आया है, यही है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है, इतनी बात क्लियर होती है ना। सिंपल सा ग्राफ है, कुछ भी फंडा नहीं है इसमें, नॉर्मल सा ग्राफ है। बताइए समझ में आती बात। तो ये जो मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला कलर थोड़ा सा लाइट विजिबिलिटी है इसकी, है ना। तो ये कहानी आपके पास ये निकल कर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इस टाइप का ग्राफ जो आपको आपके पेपर में एग्जाम में नहीं बनाना, मैं आपको समझाता हूँ क्या गड़बड़ है इसमें। इस टाइप का ग्राफ आपको कहीं पे देखने को भी नहीं मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये इधर का स्टार्टिंग पॉइंट, इधर का एंडिंग पॉइंट, इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये दोनों ना हवा में, कहाँ पे, हवा में बोले तो एयर में है। समझ में आते हैं ना,
लेकिन हमें इसको क्या करना है, दोनों तरफ से बांध कर रखना है, वरना ये उड़ जाएंगे। समझ में आ रहे ना। अब बात आती है ये उड़ जाएंगे तो बांधे, तो बांधे कैसे? तो बांधने के लिए आपको दो एक्स्ट्रा काम करने हैं, और यही रीज़न है कि मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे छोटा सा स्पेस छोड़ा था, और इधर तो स्पेस वैसे भी बचेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बताइए समझ में आती बात। अब बात आती है स्पेस छोड़ने का क्या रीज़न था और हम यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक क्लास इंटरवल पहले लेना है और एक क्लास इंटरवल बाद में जाना है। जी हाँ, एक क्लास इंटरवल पहले लेना है और एक क्लास इंटरवल बाद में लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्लास इंटरवल पहले लेना है और एक क्लास इंटरवल बाद में लेना है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब बात आती है कि जीरो से पाँच, पाँच से दस, इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है? फाइव का है। कितने का गैप है आपके पास? पूरे पाँच का है। तो पाँच इसमें से कम करूँगा, अब इसमें से पाँच कम करूँगा तो माइनस पाँच हो जाएगा, और कहाँ तक जाऊँगा? जीरो तक, माइनस पाँच से जीरो तक, ठीक है ना, माइनस पाँच से जीरो। इससे जस्ट पहले वाला एक क्लास इंटरवल बनाना था, वो हमने यहाँ पे बना दिया। एक लास्ट का क्लास इंटरवल भी बनाना है, 40 तक पहुँच चुका है तो 42 कहाँ तक जाऊँगा मैं? 45 तक। आपने ये दो क्लास इंटरवल बनाने हैं। बताइए यहाँ तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अब इन दोनों क्लास इंटरवल में बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अरे ये हमने अपने घर से लिया है, और क्योंकि हमें इन दोनों को टाइटली बाइंड करना है, बांधना है, कहाँ पे? यही एक्स एक्सिस में ही बांधना है। तो हम इसकी जो वैल्यू लेंगे, इसकी जो वैल्यू लेंगे फ्रीक्वेंसी की, वो रखेंगे जीरो। यस, उसको हम क्या करेंगे? जीरो। ये जो ग्रीन से रखे हैं मैंने फर्स्ट और लास्ट में, ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, ये काम आप लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, स्पेस सिर्फ छोड़ना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, ताकि दोबारा से आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल ना बनाना पड़े। समझ में आ रही है ना बात? तो चलिए अब इनको बांधने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ेगी? xi की। तो xi कितना होगा? इसको इसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसको इसको ऐड करेंगे, कितना होगा? 40 40 80 85, 5 बढ़ा दीजिए इसमें, 42.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और हमें लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें हम बोलेंगे 42.5। यहाँ पे मैंने लिख दिया 42.5, और 42.5 का कितना रहेगा? जीरो। तो यही वाला पॉइंट रहने वाला, वाई एक्सिस में कुछ भी पॉइंट नहीं होगा। दूसरा कितना? माइनस 2.5। देखिए इधर से 2.5, इधर से और आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2.5। ये गैप एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये पाँच वाला गैप है, ये भी पाँच का लग रहा है, बट समझना ये 2.5 का ही है, तो उतना ही डिस्टेंस इधर ले आएंगे हम ये वाला, तो माइनस का 2.5 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट होगा माइनस 2.5 में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी? जीरो है। और इसी में 42.5 में भी कितनी है आपके पास? जीरो। जीरो लेना आप जो एक्स्ट्रा बाइंड करने के लिए लेंगे उसको। अब क्या करना है? इसको लाकर इसमें इस वाली जो खुट्टी होता है, पिक कहते हैं इसको, है ना, पिक कहते हैं कुछ और पैक कहते हैं, जो भी कहते हैं, उससे क्या करना है आपको? बांध देना है, टाइटली बांध देना है इसको इस तरीके से। देखिए ये जो बांधने वाली कहानी बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसे बांधने बांधने का आपको लिखना नहीं है कुछ भी। समझ में आ रही ना? बस आपको एक पहले वाला क्लास इंटरवल, लास्ट वाला लेना है, उसके बाद इस तरीके से आपको एक्स एक्सिस के साथ लगाकर ज्वाइन करके आपको छोड़ देना। लीजिए अब जो है वो फाइनली आपका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है बेसिकली, वो तैयार हो गया है। क्या इतनी बात समझ में आती है? कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, बट ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। समझ में आती है ना बात? ठीक है ना। तो चलिए एक बार इसको फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको साथ साथ में समझाते हुए आगे लेकर चल रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये कहानी हो चुकी है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन और है। जी हाँ, एक क्वेश्चन जो आपके पास, एक और क्वेश्चन जो है गिवन है, विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन, वो बड़ा ही मस्त है, इंटरेस्टिंग है। इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के साथ साथ हिस्टोग्राम भी बनाना है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे कंसेप्ट के साथ एवरीथिंग क्लियर करवाया हुआ है, राइट। तो चलिए हिस्टोग्राम भी बना देंगे। हिस्टोग्राम बनाना हमारे लिए तो आसान सा काम है, हिस्टोग्राम की तो खैर वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा आपका, हिस्टोग्राम ही बना दीजिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तभी हिस्टोग्राम, या फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे तभी पॉलीगन, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं जनरली जो करता हूँ वो हिस्टोग्राम पहले बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। आइए मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास इंटरवल, है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, रुपीज़ में है, तो ये क्लास इंटरवल हो जाएगा। दूसरा आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा,
तो जो क्लास इंटरवल है थोड़ा मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाऊंगा ना 140 से 150, फिर 150 से 160, फिर 160 से 170, फिर 170 से 180, फिर 180 से 190 और फिर 190 से 200। ये कहानी आपके पास है ना, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब फ्रीक्वेंसी चेकआउट कर लेते हैं, कितना है आपके पास फ्रीक्वेंसी में, 5, 10, 20, 9, 6, 2 5, 10, 20, 9, 6, 2 एक बार चेक कर लेते हैं, 5, 10, 20, 9, 6, 2 बिल्कुल सही। चलिए सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और साथ में हिस्टोग्राम भी बनाने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सबसे पहले मैं बिना एक्स आई निकाले, क्योंकि मैं अभी हिस्टोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो हिस्टोग्राम में नीचे में क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे आपके पास इसी में ही हम, अच्छा एक ही सेम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कमाल वाली बात यहाँ पे ये है कि अलग अलग क्वेश्चन नहीं है कि हिस्टोग्राम अलग बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, नहीं एक ही में ही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो इधर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इधर किसको रिप्रेजेंट करूँगा, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी को, है ना, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी को। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए आगे की बात करते हैं, ये आपके पास क्या होने वाला है 0,0 और ये आपके पास क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 140 से, तो आप इधर किन इस तरीके से बनाकर छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे 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 करके छोड़ सकते हैं, बिंदास घर की बात है। और 140 से मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, ये क्या करना है आपको 140। चलिए और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, है ना, क्योंकि इधर एक इंटरवल भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। 140 ले लिया, दूसरा कितना है 150, ये आपके पास है 150, फिर कितना है 160, फिर कितना है 170, फिर कितना है 180, फिर कितना है 190, फिर कितना है 200, है ना, आगे और जाएंगे तो 210 नीड पड़ेगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पे, है ना, अभी आगे हम जब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तब नीड पड़ेगी, फिलहाल मैं हिस्टोग्राम की तैयारी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आइए हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 10-10 का गैप लिया है तो आप यहाँ पे स्केलिंग जरूर करेंगे, स्केल में आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए अब 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस है कितना, 10 का 10 रुपीज का गैप है, है ना, 10 रुपीज है यहाँ पे आपके पास, क्योंकि रुपीज में गिवन थे क्लास इंटरवल। और ये वाले आपके पास क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसमें कहता है नंबर ऑफ वीक्स, तो इसमें 10 वीक्स ले लीजिए। कितने का गैप ले लें इसमें, इसमें मेरे हिसाब से 5-5 का ले लें तो बहुत मस्त रहेगा ना, सिर्फ 4 की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप चाहें अगर और भी ज़्यादा लेना चाहें तो 4-4 का गैप ले सकते हैं, तो 4 ले लेते हैं, 4 वीक्स कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस कितना 4 वीक्स है ओनली। तो यहाँ से एक अगर एक की बात करेंगे, ये 2 की बात करेंगे, ये 3 की बात करेंगे, ये 4 की बात करेंगे और ये आपके पास 5 की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होने वाली है आपके पास वो यहाँ से यहाँ तक 4 वीक की बात कर रहे हैं, फिर 8 वीक, फिर 12 वीक, फिर 16 वीक, फिर मैक्सिमम 20 वीक्स की बात करेंगे, है ना, 1 सेंटीमीटर में 4 वीक है आपके पास। आगे चलिए अब बात आती है, हम रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं इसमें फिर क्या ही, हम ये देखते हैं कि 140 और 150 के इंटरवल में कितना है, वो कितना आपके पास 5 है, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे आपके पास और 5 पे हम रुक जाएंगे इस तरीके से, अच्छा 5 पे है सॉरी, तो ये आपको 1, 2 नहीं लिखना पड़ेगा, 4, 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। चलिए अब आपको कहाँ पर रोकना था, इसमें 5 वीक्स हैं, चलिए 5 पर रोक देते हैं, तो इसको हमने ले लिया 5, तो ये हो गया पहला वाला फ्रीक्वेंसी तैयार। नेक्स्ट आपके पास 150 से 60 में 10 है, 150 से 60 में कितने आपके पास 10 है, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं बिल्कुल बीचों बीच में 10 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास 160 से 70 में 20 है, 160 से 70 में कितने आपके पास 20 है। अब बोलिएगा ये सर कैसे आप बना रहे हैं, इसका तो आपने कुछ भी कंसेप्ट नहीं बताया, तो लास्ट वाली वीडियो देखिए ना पहले, आपको इससे पहले क्या करनी पड़ेगी, लास्ट वाली वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ रही है ना बात। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 170 से 80 में 9 है, तो 9 का यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कितने का 10 का था, तो थोड़ा सा नीचे ही रख लेंगे यहाँ पे, ये 9 हो गया आपके पास, है ना, 170 से 80 9 का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6, है ना, अगले वाले का कितना है 6 है, तो यहाँ से 4 से लेकर चला जाएगा आपके पास 6, यहाँ से ये 5 था, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, खत्म बात। नेक्स्ट देखते हैं कितना आपके पास 2 है, ओनली 2 है, 190 से 200 तक ओनली 2 है, तो 2 यहीं तक आ जाएगा बिल्कुल बीचों बीच में, ये आ गया आपके पास 200 का, 190 से लेकर 200 तक का, ये जो आपने तैयार किया है वो क्या आपके पास
फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी वाला ना ये हिस्टोग्राम है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें एवरीथिंग उनके बारे में बता दिया था। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं आपके पास सारी चीज़ें, उसको हमने हिस्टोग्राम बनाया। हमें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना था। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएं, इसी में बनाएंगे। उसके पहले हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या क्या चाहिए आपको मालूम है ना, हमें चाहिए क्लास मार्क्स जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में करवाया, जिसको क्या कहते हैं आपके पास एक्स आई, क्लास मार्क को क्या कहते हैं एक्स आई, और वो कैसे निकालते हैं इन दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय टू, और नहीं तो इनको बीच का सीधा देखिए 140 से 150 के बीच में 145 मिलेगा, इसके बीच में 155 मिलेगा, इसके बीच में कितना 10 का गैप हो गया ना, तो 165, 175, 185, 195 बताइए, हाँ यानी 195 खत्म बात, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें दो एक्स्ट्रा चाहिए होते, याद कीजिए, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे मैं 200 से कितना जाऊँगा 210 तक, और यहाँ पे एक कम करूँगा कितना जाऊँगा मैं 130 से लेकर 140 तक, बताइए हाँ यानी, दो क्लास इंटरवल चाहिए होते जिसमें हम फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं 0-0 लेते थे, याद कीजिए, समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए अब इनको क्या कीजिए, फटाफट रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 135, इसकी कितनी आ जाएगी 205, बताइए हाँ यानी, है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं क्लास मार्क बेसिकली। तो अब चलिए इनको रिप्रेजेंट कर दिए फिर से यहाँ पे, जैसे अभी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था पिछले क्वेश्चन, वैसे ये तो पिछले वीडियो का कंसेप्ट था जहाँ से हमने हिस्टोग्राम बना दिया, अब इसमें इसी वीडियो का कंसेप्ट लगा रहे हैं जो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, है ना। तो एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ मैं बेसिकली, एग्जाम्पल नंबर 4 और ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5। इस वीडियो में सिर्फ हम यही दो एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले जहाँ से आपका जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है वो किसका हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 3 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में क्लियर करवाया था आपको मैंने, है ना, हिस्टोग्राम, और अब 2 क्वेश्चन में क्लियर करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली। आइए समझाते हैं आपको आगे की चीज़ों को कि किस तरीके से आपको करना है। अब देखिए एक्स आई में 135 है तो इसका कितना है 0 है, तो एक्स आई में 135 कहाँ आएगा, ये 140 है, ये वाला 130 ले लेता हूँ, इसके बीच में 135 आएगा कहीं पे, बोलिए हाँ या नहीं, है ना, तो 135 और इसका 0, तो ये यहीं पे रहने दीजिए, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है 135.0 है, 135.0 है। नेक्स्ट चलते हैं 145 पे 5 है, 145 यहाँ पे है और इस पर 5 है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। दूसरा 155 पे यहाँ पे ये वाला मिलने वाला आपके पास जितना भी होगा 10 है, तो कहीं ना कहीं हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे चले जाना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कमाल वाली बात यहाँ पे ये है, जी हाँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इनके मिड मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और लास्ट वाला है इसके बीच का यहाँ पे, ख़त्म बात। तो आप इन सबको ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये ऐसे करके आ जाएगा, फिर ये ऐसे 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 आ जाएगा, क्या मस्त ग्राफ बना है देख लीजिए, है ना, पहले ऐसा गया है फिर ये ऐसा गया है, ये लग रहा है ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, बताइए हाँ या नहीं, डन है। तो ये कहानी हो गया, देख लीजिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ अब आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये कितना आपके पास 145 था, तो 145 के साथ कितना आपके पास 10 है, दूसरा कितना 155 है, ये तो 155 पॉइंट कितना आपके पास 155 कितने में था, ये वाला 10 में था ना, 155 का कितना आपके पास 155 का 10 है ना, पहले वाले का 0 है और दूसरे वाले का 10 नहीं है, 5 था इसका 10 है, और 160 का 160 से 65 बोले तो 165 का कितना आपके पास 20 है, तो साफ साफ दिख रहा है 165 का 20 है। नेक्स्ट है आपके पास 175 का 9 है आपके पास, कितना 9 है, तो 175 का 9 है, और 185 का कितना आपके पास 6 है, और इसका आपके पास 2 है, तो 195 का कितना आपके पास 2 है, और ये जो 205 है उसका तो आपके पास 0 रहने वाला है एक्स एक्सिस पे, जो हमने लिए थे दो अलग से लिए था ना, फर्स्ट और लास्ट वाला क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए वो है, बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम भाई नहीं ना। तो चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप एक चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए कॉन्स्टेंटली बेसिकली मुझे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, बोले तो एक अलग सा ही मोटिवेशन डोज मिल जाता है जिसके बाद रुकने का मन ही नहीं करता। इधर मैं पिछले 2-3 दिन आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था, रीज़न उसका सिंपल था, हमारा जो कैमरे में सोच रहा था कुछ खराबी आ गई है, लेकिन कैमरा बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 महीना हुआ है लिए हुए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1.5 महीना हुआ है,
तो कैमरा बिल्कुल परफेक्ट था। माइक का जो सेल था वो ख़राब हो गया था, और मैं सोच रहा था क्या हुआ क्या हुआ। फिर फाइनली जब मैंने चेक किया सारे, है ना, एवरीथिंग, कैमरा को भी चेक करवाया, तो पता चला यार कि माइक में प्रॉब्लम है। तो मैंने माइक का सेल चेंज कर दिया, उसके बाद मज़ा सा आ गया। फिर से वीडियो में साउंड रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से होने लगी, वरना मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास की एक वीडियो बनाया था जिसमें वॉइस ही नहीं आई थी। तो उसको मैंने दोबारा से खैर बना दिया है, टेंशन वाली बात नहीं है। बट आप लोगों को करना क्या रहता है आपको पता ही रहता है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। समझ में आ रही बात? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।